सिंघम अगेन के मेकर्स को भूलभुलैया 3 के मेकर्स से सीख लेना चाहिए कि चीजों को छुपाया कैसे जाता है और सस्पेंस कैसे बनाया जाता है। जहाँ पर सिंघम अगेन के ट्रेलर में सब कुछ स्पॉइल कर दिया उन लोगों ने, इवन तुम्हें पूरी कहानी समझ आ गई होगी, वहीं भूलभुलैया के ट्रेलर में चीजें इतनी ज्यादा यूनिक कर दी गई, इतनी ज्यादा चीजें छुपा ली गई कि पूरा सस्पेंस बन गया, जिसको लेकर फैंस काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। वेल, भूलभुलैया 3 का ट्रेलर आ चुका है, तो भाइयों कैसा लगा ट्रेलर, और जिसे देखने के बाद तुम्हारे मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि हम दोनों में से अंजुलिका कौन है। और ये होता है सस्पेंस बनाना और फैंस के दिमाग पे खेलना, ये चीज रोहित शेट्टी एंड टीम को भी करना चाहिए थी। वेल, अभी सिंघम अगेन के ट्रेलर का बुखार लोगों के सर से नहीं उतरा है, उसके साथ ही भूलभुलैया 3 का ट्रेलर भी आ गया। और अगर ट्रेलर की बात की जाए एक लाइन में, अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो पूरा ट्रेलर मेकर्स की तरफ से एक गिफ्ट है फैंस के लिए, जो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। जहां पर सिंघम अगेन में जितने भी कैमियोज होने वाले हैं, जितनी भी चीजें होने वाली हैं, उनने सब कुछ अपने ट्रेलर में एक्सप्लेन कर दिया था, भाई इस ट्रेलर में सारी चीजों को छुपा लिया गया है, मतलब सस्पेंस बना दिया गया है, और इसे कहते हैं फैंस के दिमाग से खेलना। पहले ट्रेलर के बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं बता दूं कि ये दोनों ही मूवी 1 नवंबर को रिलीज हो रही है, और मुझे दोनों ही मूवीज के लिए बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है, क्योंकि इन मूवीज को अलग अलग टाइम पर रिलीज होना चाहिए था। दोनों ही मूवी बहुत बढ़िया होने वाली है और अलग अलग टाइम पर ये अच्छा खासा बिजनेस कर सकती थी, लेकिन अब किसी एक मूवी को कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और वो कम्प्रोमाइज किस मूवी अभी तक अटक रही थी, भूलभुलैया 3 पर। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद ये लग रहा है कि ये मूवी भी अच्छा खासा बिजनेस करने वाली है। वेल, भूलभुलैया 3 को लेकर फैंस के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे कंफ्यूजन थे, इस ट्रेलर से ये सारे कंफ्यूजन दूर हो चुके हैं। जहां पर इसका टीजर आने के बाद फैंस ने ये उम्मीद लगाई थी कि ये मूवी पहली मूवी से कनेक्टेड रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मूवी बिल्कुल अलग है। हालांकि थोड़ा बहुत अगर कनेक्शन है तो वो भूलभुलैया 2 से होगा, क्योंकि इसकी कास्ट को देखने के बाद ये लग रहा है कि कास्ट के साथ कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, जैसे कि करेक्टर भूलभुलैया 2 में थे सेम करेक्टर हैं। भाई ये मूवी फ्रेंचाइजी की बहुत बड़ी मूवी होने वाली है, उन दोनों ही मूवी से बेहतर होने वाली है। इसमें कॉमेडी का डोज भी डबल कर दिया गया है, उसके साथ साथ हॉरर का डोज भी डबल कर दिया गया है। आधे ट्रेलर तक हमको आया गया और उसके बाद फिर होती है डर की शुरुआत, जहां पर हॉरर भी भर भर के और सस्पेंस भी भर भर के है। तो पूरा ट्रेलर देखने के बाद ये चीज कंफर्म हो गई है कि इन दोनों के बीच कोई ऐसा वैसा क्लैश नहीं होने वाला है, बल्कि एक वर्ल्ड वॉर होने वाला है, मतलब दोनों ही मूवीज हार नहीं मानने वाली है। जहां पर इन दोनों के ट्रेलर अपने अपने जोन में काफी अच्छे हैं। इस मूवी की कहानी पार्ट 2 से स्टार्ट होगी, जहां पर रू बाबा के साथ सेम वही चीजें हैं, उनके पास कोई भी सुपर पावर नहीं आई है, वो वैसे ही लोगों को लूट रहे हैं। उसके साथ साथ मंजुलिका भी दिखाई गई थी, जो जिसको पार्ट 1 से काफी कनेक्टेड लोगों ने किया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो पहले ही बोला था कि पार्ट 1 में जिसको देखने के बाद हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से डर गए थे, इस वाले पार्ट में तो उसे देखने के बाद वो चीखे सुनने के बाद तो हंसी आने लगी थी कुछ कुछ, मतलब कोशिश की गई है कि वैसे ही एक्ट किया जाए, लेकिन वो वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं आई। लेकिन अब कहानी भी अब बिल्कुल ही नहीं है, तो विद्या बालन के इस करेक्टर को उस पार्ट से नहीं जोड़ेंगे। उस कोर्स के साथ इसमें एंट्री हो रही है माधुरी दीक्षित की, और एक वो भी एक भूतिया ही रोल प्ले कर रहे हैं। हालांकि इन दोनों में से ओरिजिनल मंजुलिका कौन है इसका सस्पेंस छोड़ दिया गया, लेकिन इन दोनों के एक सीन में फाइट दिखाई गई है, मतलब साफ है कि ये दोनों ही काफी स्ट्रगल कर रहे हैं भूतों से। पर इनमें रियल भूत कौन सा है, थोड़ा सा माइंड गेम हो सकता है, क्योंकि भूलभुलैया फ्रेंचाइजी इसी के लिए जानी जाती है, वो ऐसे ही चीजें करते हैं जो लास्ट में आके लोगों के दिमाग से खेलते हैं, और ये चीज फैंस को काफी पसंद आती है। इस वाली मूवी से बड़ी चीज हमें मिलने वाली है। तो वैसे इन दोनों में से आपको कौन सा ट्रेलर ज्यादा पसंद आया और क्यों पसंद आया, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो।